Чели. अरे कौन जान नहीं मेरे को अरे मैडम एक बार खड़ा हो जाइए सिंगल लाइन में छूटे होंगे तो मिल पाएंगे नमस्कार अनिल भाई जी हम सबके बीच में रामगढ़ विधानसभा के प्रभारी
अनिल पैकर जी उपस्थित है, उनसे आग्रह है कि आए और मुख्य देकर के उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। हम सबके बीच में रामगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी लोकसभा के सह संयोजक रणजय कुमार भी उनको वाले उपस्थित है, अंग वस्त्र देकर के उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दिलीप गांधी जी से आग्रह है कि आए और अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी को मुख्य देकर के उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित है अपने श्रीमान के राजमंटो देकर के मनुष्य शांति से आगे है कि मेमंटो देकर के उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। और एक मौत हिंदी की तस्वीर है, वो तस्वीर भी चाहेंगे कि माननीय मरीज के साथ भी माछी वस्ती की तस्वीर देकर माननीय देवता विश्व समाज का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हम सबके बीच में रामगढ़ की विधायिका का है, सार सरल अभी तक संपूर्ण हो चुका है और मन में अभी किसी का संदेह भी नहीं कि मोदी जी अगली बार 700 पार करके ही सरकार बनाएगा, एक सीट भी कम होने वाला नहीं है, ये पक्का है। और विवाद उधर से ही शुरू होता है, लोग पूछता है मोदी जी को 700 क्यों चाहिए, कांग्रेस का एक ही बात है कि आप क्यों बोलता है 700 पार। मैं बोला ठीक है 700 पार नहीं बोलूंगा, 399 बोलूंगा, तब हो जाएगा क्या? तो वो कुछ बोलते नहीं है, 700 सबसे उसका क्या है दिमाग में पता नहीं हूं। जहां भी कांग्रेस को मैं मिलता हूं, मैं भी पूरे में कांग्रेस में ही था, 22 साल में कांग्रेस में था, थोड़ा डोज भी है कांग्रेस में, जहां भी मैं पूछता हूं उनका 300 से मोदी का सरकार बने कोई आपत्ति नहीं है, 350 से मोदी का सरकार बने उनका कोई आपत्ति नहीं है, 399 से मोदी का सरकार बने उनका कोई आपत्ति नहीं, खाली 700 का नहीं होना चाहिए। अभी राहुल बाबा का एक ही सपना है भाई मोदी, 700 पार नहीं होना चाहिए। आप सोचिए कितना बेकार पार्टी होगा। हमारे सरकार बनाने के लिए 272 सीट चाहिए, 300-350 सीट हमारा पहले से भी है। इसमें राम मंदिर बन गया, हिंदू के बीच में अपना प्रबल उत्साह है, भारतीय के बीच में अपना प्रबल उत्साह है, इसमें तो हमें 700 मिलना ही है, इसमें संदेह कहां है, इसमें डाउट कहां है। लेकिन कांग्रेस लोग पूछते हैं 700 का बात क्या होगा, मैं बोला असली खेला 700 का बात से ही शुरू होगा। 300 जब हमने पार किया, 300 पार किया तो हमने 370 हटाया, 300 जब हमने पार किया तो बाबरी मस्जिद का जगह में भव्य राम मंदिर बना। इस बार जब 700 पार हो जाएगा ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी भारत के साथ विलीन हो जाएगा। 300 में कितना काम हुआ आप लोग थोड़ा गिनिए, 300 में कितना काम हुआ, 370 सलाह दिया, राम मंदिर बना, सीए आया, 300 में इतना हो कुछ हो कंप्लीट हो चुका है। जब 400 पार होगा हमको क्या,
कृष्ण जन्मभूमि भी बनाना नहीं है क्या? हिंदू क्या राम जन्मभूमि से ही संतुष्ट हो जाएगा? तो हमें हमारा अभी भी संतुष्ट हुआ नहीं है, हमारा आगे और बहुत काम है। कल मैं दिल्ली में बोलकर, शाम में मेरा दिल्ली में मीटिंग था, मैंने दिल्ली वासियों को बोल रहा था, देखिए 7 दिन से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में हर दिन आंदोलन हो रहा है। कोई कोई लोग बोल रहा है कि वहां अभी तिरंगा पताका भी अभी लोगों का हाथ में आ गया है। मैं बोला ये तो शुरुआत है, मोदी जी को 700 पार कर दीजिए, हमारे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत में विलीन हो जाएगा, कृष्ण जन्मभूमि भी बनेगा और ज्ञान बापी मस्जिद में भी मंदिर बनेगा। इसीलिए हमें 700 सीट चाहिए। भाई और बहनों, मैं ऐसा स्टेट से आता हूं जो स्टेट में 36% हमारा मुसलमान भाई लोग रहते हैं, तो हम वहां में राजनीति करता हूं, तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि आप मुसलमान का बीच जाते हो कि नहीं जाते हो? हम बोला हम जरूर जाते हो, हम हमेशा जाता हूं मुसलमान का बीच, वहां जाके आप क्या बोलता हो? हम पहले मुसलमान का बीच जाके बोलता हूं, 3 दिन शादियां मत करो यार, इसको बंद करो, ये 3 दिन शादी करने वाला बात मत करो। तो क्या लोग मुसलमान लोग बोलते हैं? नहीं, माता लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वहां से शुरू होता है कि देश का मुसलमान माताओं भी साथ है कि मेरा पति 3 दिन शादी ना करे। मतलब क्या है? हमारा देश में हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, हमारा देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड 7 साल 50 साल पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन नरेंद्र मोदी तब नहीं था, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बना। अभी हम लोग 700 सीट पार करेगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बना लेगा। बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाना है कि नहीं बनाना है? तो इसीलिए मैं कांग्रेस भाई लोगों को बोलना चाहता हूं, 300 सीट में मोदी जी ने पिक्चर शुरू किया है, 700 सीट हो जाएगा ना तो पूरा पिक्चर कंप्लीट हो जाएगा। कश्मीर से लेके कृष्ण जन्मभूमि से लेके ज्ञान बापी में मंदिर बनाने से यूनिफॉर्म सिविल कोड तक अभी भी लंबा रास्ता हम लोगों को जाना है, और इसीलिए हमको इस बार भारत का लोगों से 700 सीट चाहिए। और इसीलिए मैं झारखंड में भी निवेदन करूंगा, मनीष भैया को तो जिताना ही है, पूरा झारखंड में हमें हर सीट में बीजेपी को जिताना है। भाई और बहनों, दिमाग में एक ही बात आया कि सामने गोल पोस्ट में कोई गोल कीपर नहीं है, जितना है आप गोल डालते रहो, मतलब जितना खुशी है इतना गोल डालते रहो। अन्नपूर्णा जी पूरा देश में ही रिकॉर्ड करके जीत जाएगा। आप लोग को मैं पहले अभिनंदन देता हूँ, आप लोग 20 तारीख का चुनाव में अन्नपूर्णा जी को भारी बहुमत से जिताइए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए, लेकिन ऐसे में 700 सीट पार करके, कितना सीट पार करके बनाना है? ये 700 सब सुनने से कांग्रेस का नींद हराम हो जाता है और उससे मेरा मजा आते हैं, इससे 399 बोलने से हम लोग हजम कर लेते हैं, 399, लेकिन 700 सुनने से ही वो लोगों का नींद खराब हो जाता है। तो इसीलिए हमें मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है 700 पार करके, ठीक है ना? बनाना है कि नहीं? क्या बनाना है ना? तो मेरा सब बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी, जय हिंद, वंदे मातरम। पेपर लीक होते हैं, हजारों सरकारी पद वैकेंसी पड़ा हुआ है, लेकिन युवाओं को नौकरी नहीं मिलता है। आज आप आसाम का तरह देखिए, हम 3 साल पहले मुख्यमंत्री बने, जब मेरे मुख्यमंत्री बना 1 महीना में मोदी जी उसको दिल्ली बुलाए,
मोदी जी ने बोला देखो आसाम में बहुत सा इंसर्जेंसी रहा, मिलिटेंसी रहा, अभी अच्छा समय आया, तुम 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करो। पहले बोला मैं भी डर गया, हर गेट कोर्ट गेट टीचर मजिस्ट्रेट मैंने ढूंढ ढूंढ के 1 लाख पोस्ट निकाला। सरकार का पहला वर्ष से ही मैंने 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया। एक कोर्ट केस नहीं हुआ, एक कोर्ट केस नहीं हुआ, एक रिश्वत का मामला नहीं आया। आप गूगल करके देखिए 1 लाख युवाओं को नौकरी मिला। अभी हमने दोबारा 50,000 पोस्ट का एडवर्टाइज निकाला, लेकिन इसका कोई श्रेय मूल्य नहीं आते हैं। इसका कारण एक ही है, जहां जहां भी मोदी जी का डबल इंजन सरकार है वही प्रगति हो रहा है, वही तरक्की हो रहा है। इसीलिए मैं कदरमा का लोगों को बोलना चाहूंगा कि अन्नपूर्णा देवी को तो जिताना एक काम है, लेकिन सबसे बड़ा काम है 6 महीना का बाद झारखंड में हमें बीजेपी का सरकार बनाना है। यह सबसे हमारा बड़ा काम है। झारखंड का पैसा आप बोलिए पैसा आरोपी का घर में रहना सही है कि गरीब का आवास बनना चाहिए, बोलिए क्या होना चाहिए। तो इसीलिए हमें ईडी और सीबीआई का जरूरत है। कोई वो बोलता है ईडी और सीबीआई बीजेपी का दोस्त है, ईडी और सीबीआई बीजेपी का दोस्त नहीं है, ये गरीब का दोस्त है। गरीब को तरफ लोगों का घर से पैसा निकाल के गरीब का आवास बनाने के लिए पैसा देने का काम ईडी और सीबीआई करता है। इसीलिए ईडी और सीबीआई गरीब का दोस्त। हमारा हमेशा मन में होते थे कि कोई ऐसा जिला पुरुष भारत में जन्म हो वो पांच रूपये कश्मीर में भी भारत तक गिर गया। अगर मोदी जी को 400 सीट मिलते हैं, मैं तो विश्वास करता हूँ कृष्णा जन्मभूमि भी बनेगा, ज्ञानवापी में मंदिर भी बनेगा, साथ में पांच रूपये कश्मीर भी भारत का साथ धीर हो जाए। पिछले 10 दिन अगर आप लोग अखबार देखते हो, टीवी देखते हो, आप लोग को दिखाई पड़ेगा हर दिन पांच रूपये कश्मीर में आंदोलन हो रहा है। लोग पूरा हम बोल रहा है कि हमें भारत जाने का इजाजत हो, मतलब आंदोलन शुरू हो चुका है, खाली समाप्त करना है। और वो समाप्त कैसे होगा, आप 400 सीट हमें दीजिए और मोदी जी भारत को कश्मीर ला के देगा, यही हमारा संकल्प है। भाई और बहनों माहौल तो पूरा ठीक है, बाकी सारी सरकार के लिए मार्जिन बराबर है। उसको बोलिए मैं उसको खबर दिया।